हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्री पे। तो आज हम बीएचयू पीरी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मैंगो। सेकेंड नंबर, मैंगो इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसमें 4800 IU विटामिन ए पाया जाता है, जबकि पपीता में 20-20 IU पाया जाता है। सेकेंड नंबर है, वैक्सिंग इन्हेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट बिकॉज इट चेक। इसका सही ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन एंड रिस्पायरेशन। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेशर टेस्टर इज यूज्ड फॉर। प्रेशर टेस्टर का यूज जो होगा इसमें किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, मैच्योरिटी में। फोर्थ है, येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू। पपाया में किसके कारण पीला रंग होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कैरिका जेंथिन। थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैंस एप्पल। इसका सही ऑप्शन है बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज इंडिया रैंक द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। इसका सही ऑप्शन है सेकेंड। सातवां नंबर क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट पर कैपिटा पर डे इज। इसका सही ऑप्शन है थर्ड, 120 ग्राम। आठवां नंबर क्वेश्चन है, व्हिपटेल डिसऑर्डर टू फाउंड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलीफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायोसियस वेजिटेबल क्रॉप्स। तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड, पॉइंटेड गार्ड। 10 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ मैंगो इज। तो इसका सही ऑप्शन है मैंगो हॉपर। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पपाया। तो इसका करेक्ट आंसर है पूसा नन्हा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ फ्लावर। तो इसका सही आंसर है रोज। 13 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट एक्सटेंशन मेथड इज। तो इसका सही ऑप्शन होगा डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन एंड द सब्जेक्ट मैटर। 14 नंबर क्वेश्चन है, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन इज सिचुएटेड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल केस वेयर बी विश टू शो द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी इन द फार्मर सिचुएशन। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एडुकेशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, चूज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्स्टेंटली मिल्डी एडॉप्टिंग द फार्मर कैन ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंज। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्रॉप इज स्टेबल फॉर एक्सटेंशन एडुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल टाइप ऑफ क्रॉप। 18 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसर्च वर्क एंड एक्सटेंशन वर्क इज इंटर डिपेंडेंट। 19वां नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ आवर फार्मर आर इलेरेट आर नियरली सो दियर फॉर चूज बेस्ट अल्टरनेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, एक्सटेंशन एडुकेशन इज ए यूजफुल मीन्स एडुकेशन थीम। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए बेटर क्रिएटिएशन ऑफ इवेल्यूएटिव एक्सटेंशन वर्क इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 4 नंबर, द इम्प्रूवमेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द विलेज। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, यूज ऑफ किसान कॉल सेंटर। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला,
दैट द फार्मर वांट इंफॉर्मेशन अबाउट एंड अबाउट द टेक्नोलॉजी। 22 नंबर क्वेश्चन है, इफ रूरल पीपुल ऑर्गेनाइज थेमसेल्व दी कोऑपरेटिव द टास्क एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सेकंड वाला, विल बिकम इजियर। 23 नंबर क्वेश्चन है, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट एडवोकेट बाई, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, ICR। 24 नंबर क्वेश्चन है, ई एक्सटेंशन इज बेस्ट सिटुएट फॉर, तो इसका सही ऑप्शन होगा डिस्कशन एंड इंफॉर्मेशन, डिजामिनेशन एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मोस्ट इंडियन सॉयल रेंज बिटवीन, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, 0.5 to 2। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन इज ए C4 क्रॉप प्लांट, तो इसका सही ऑप्शन है सुगर केन। 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नॉर्मल व्हीट सोइंग, तो इसका सही ऑप्शन है 20 to 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जिंक इज एब्जॉर्बेड बाई प्लांट फ्रॉम सोयल आयनिक फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ZN++। 29 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव बीडी साइड एज प्री इमरजेंस बीड कंट्रोल इन मेज क्रॉप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सीमाजीन, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो क्रॉप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, फ्रो मेथड। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट आयन लेवल टू फिक्स इन 2:1 क्ले मिनरल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, थर्ड ऑप्शन, NH4+। 32 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ स्टेबल सॉयल ऑर्गेनिक मैटर इज अबाउट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 10:1 रेशियो। 33 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉपिंग सिस्टम नाउ पॉपुलर इन इरिगेटेड नॉर्थ इंडिया स्टेट इज, इसका सही ऑप्शन है सेकंड, पैडी एंड व्हीट। 34 नंबर क्वेश्चन है, राइजोबियम स्ट्रेन सिचुएटेड फॉर इंक्लूसन ऑफ बरसीम सीड, तो इसका करेक्ट आंसर है राइजोबियम ट्राइफोलाई। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन इज ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, यूरिया। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, द प्लांट कंपोनेंट ब्रोकन फर्स्ट ऑन एडिशन इन सॉयल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, प्रोटेटेंस। 37 नंबर क्वेश्चन है, द नॉर्मल टिटरेबल एसिडिटी इन फ्रेश काउ मिल्क, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, 0.15। 38 नंबर क्वेश्चन है, द ओवरन इन आइसक्रीम इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 100%। 39 नंबर क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ मेजोफिलिक बैक्टीरिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 से 32 सेल्सियस। 40 नंबर क्वेश्चन है, द एंटी ऑक्सीडेंट्स इज घी कैन बी एडेड एट द रेट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट अलाउड। 41 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम टेम्परेचर कंबाइनेशन फॉर प्रॉपर पास्चुराइजेशन शुड बी सच डैट इट गिवेन निगेटिव टेस्ट फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्केलाइन फॉस्फोटेज। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है,
इन एसटी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पाश्चुराइजेशन मिल्क हीटेड एट द लीस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 71.1 सेकेंड ऑप्शन 71.5°C। 43 नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट हीट ट्रांसफर वैल्यू इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, एज पर पीएफए रूल्स फैट कंटेंट इन स्किम मिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नॉट मोर देन 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग अप द एक्टिविटी ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डेयरी, थर्ड डेयरी डेवलपमेंट। 46 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिल्क, थर्ड। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइज फ्लेवर डेवलपमेंट इज कैटेलाइज्ड बाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर। 48 नंबर क्वेश्चन है, करेंटली मोस्ट कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाउच, थर्ड नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल ऑर्गेनिकली इज इन्वॉल्व्ड स्टोरेज इन ऑयल सीड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइक्सो सोम। एक क्लियर नहीं है, ग्लाइक्सो सोम होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन एपिसियल डोमिनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंडोल एस्टिक एसिड। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक स्ट्रेस हार्मोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला, एब्सिसिक एसिड। 52 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एसोसिएटेड विथ नाइट्रेट रिडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोलोबेडियम, थर्ड ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटोज शुगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाइलोज फास्फोटेज। 54 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी सबस्टेंस ऑफ दी रिपेरेटरी कोइलेंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड बाय दी कीमोसिटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मिशेल। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हिच पिगमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट इन्वॉल्वड इन फोटोसेंसपायरेटरी प्रोसेस डायरेक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम। 58 नंबर क्वेश्चन है, द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेजेंटली इज अराउंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, 0.037। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेप, फोर्थ ऑप्शन। 60वां नंबर क्वेश्चन है, एसिड ग्रोथ थ्योरी एग्जांपल इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ऑक्सीजन। 61 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ दी सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सैंडी स्टोन। 62 नंबर क्वेश्चन है, क्ले मिनरल इलाइट हैज सीईसी सी मोल पी प्लस केजी माइनस
वैल्यू रेंजिंग बिटवीन, तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, 20 से 40। 63 नंबर क्वेश्चन है, एमंग वेरियस क्लासेज ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉयल द मोस्ट प्रोमेबेबल वन वन इज, तो इसका सही ऑप्शन होगा सेलाइन फर्स्ट। 64 नंबर क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ द लिमिटिंग लिमिटिन कंपाउंड डोलोमाइट इज, तो इसका सही ऑप्शन होगा CaMgCO3, थर्ड ऑप्शन CaMgCO3। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज नाइट्रेट NO2 टू नाइट्रेट नाइट्रेट इन सॉयल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोबैक्टर। 66 नंबर क्वेश्चन है, बोरान फंक्शन इन प्लांट इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शुगर ट्रांसलोकेशन। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फास्फोरस कंपाउंड इन प्रेजेंट इन दी सिंगल सुपर फास्फेट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन CaH2PO42। 68 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूरेट कंटेंट इन यूरिया परमिसेबल ओनली टू एन एक्सटेंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5%। 69 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम इज प्रेजेंट इन क्रॉप प्लांट एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल सेप सेल सेप। 70 नंबर क्वेश्चन है, टेंसियोमीटर मेजर सॉयल मॉइस्चर टेंशन बार ओनली अप टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 0.85। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, टोटल डिग्रेडेड लैंड एरिया इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 187.8। 72 नंबर क्वेश्चन है, भाट सॉयल उत्तर प्रदेश प्रोसेस सॉफ्ट लाइम एज फ्री CaCO3% इन सोलूबल टू एन एक्सटेंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 30 से 40%। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज दी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरिश फरमाइन इन ऑफ 1845, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जबकि बंगाल फरमाइन 1943 में आया था और आयरिश फरमाइन शायद 1843 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 नंबर, खैरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन है जिंक। 75 नंबर क्वेश्चन है, करनाल बंट व्हीट गिव फाउल स्मेल फील्ड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दी वायलेट कंपाउंड, तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, ट्राई मिथाइल एमीन। करनाल बंट जो सबसे पहले 1930 में हरियाणा में देखा गया था, करनाल बंट से जो गंध आती है टर्माइल एमाइन के कारण आती है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, टिक्का डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, तो ये ग्राउंड नट से संबंधित है। 77 नंबर है, ए वायरस इन्फेक्टिंग इन बैक्टीरियम इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है, लीफ क्विरल ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकोटीना वायरस 10। 69 नंबर क्वेश्चन है, हु परपोज्ड ए क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी व्हिच इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होगा, एनी वर्थ 973। 80 नंबर क्वेश्चन है, टिलाइटिया कॉज डिजीज, तो इसका सही ऑप्शन होगा करनाल बंट। 81 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक हार्ट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ पोटैटो। 82 नंबर क्वेश्चन है, द मोल्या डिजीज ऑफ व्हीट
इज कार्ड भाई। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा हेट्रोडोरा एवेना। 83 नंबर क्वेश्चन है, इन एग्रिकस दी फंग फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी माइसीलियम। 84 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सैटेलाइट सैटेराइल हाइफेज अराउंड इन एसोसिए एसोकार्प इज लेटरेड एज। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रीडियम, सेकंड ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर है, ए हेप्लॉयड सेल कंटेनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकंड ऑप्शन, ओनली हाफ द फुल कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर में है, द ब्लैक बोन्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर मेड ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुगर्स एंड फॉस्फोटेज। 87 नंबर क्वेश्चन है, सेक्स सेल सेल्स हैव। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड हाल हाल्फ एज मैनी क्रोमोसोम एज बॉडी सेल। 88 नंबर क्वेश्चन है, इट ट्रेट डेट ओनली अकर्स इन वन जेंडर इज कॉल्ड ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्स लिमिटेड ट्रेट। 89 नंबर दोस्तों क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर है, पोली प्लॉडीन प्लांट इंक्लूड थाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 91 नंबर क्वेश्चन है, द क्विर्केट मेथड इज प्लांट ब्रीडिंग इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा म्यूटेशन ब्रीडिंग। 92 नंबर क्वेश्चन है, इस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अचीव्ड थाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजेशन। 93 नंबर है, पेरेंट यूज्ड ओनली वन बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, डोनर। 94 नंबर क्वेश्चन है, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज आर आल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ऑटोगेमस। 95 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्रीडिंग मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट ब्रीडिंग मेथड जनरली यूज्ड इम्प्रूव ए वेल एडाप्टेड वैरायटी स्पेसिफिक ट्रायल। तो इसका करेक्ट आंसर है बैक क्रॉस। 97 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन होगा, कोलियोपटेरा। 98 नंबर क्वेश्चन है, द लार्वा लार्वाज ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स आर एडाप्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, फ्रूट फ्लाई, थर्ड ऑप्शन। 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर है, मेजॉरिटी ऑफ एग पैरासाइट्स बिलोंग टू द इंसेक्ट ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, हाइमनोप्टेरा। 100वां नंबर क्वेश्चन है, पार्थेजिनियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली टेक्स प्लेस इन।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ए फिट्स। 101 क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्टी मोल्ड डेवलप ऑन द लीव्स एंड पेनिकल्स ऑफ मैंगो ड्यू टू दी इन्फेक्शन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन लीफ हॉपर। 102 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पैथोजन इज हाईली होस्ट स्पेसिफिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन न्यूक्लियर फोटोपीरियडी वायरस। 103 नंबर क्वेश्चन है, होलो मेट्राबोलस डेवलपमेंट अकर इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन बटरफ्लाई। 104 क्वेश्चन नंबर 104 है, द ग्राम कटवार्म इज एक्टिव ड्यूरिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा विंटर थर्ड ऑप्शन। 105 नंबर क्वेश्चन है, थ्रिप्स बिलोंग टू दी ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थाइमनोप्टेरा। 106 क्वेश्चन नंबर 106 है, सिल्वर सूट्स इन पैडी आर कॉज्ड बाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन गॉलमिज। 107 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हनी बी स्पीसीज ऑफ फॉरिजियन ऑरिजिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन एपिस मोलिफेरा लिन। एक क्वेश्चन नंबर 108 है, मेनी इंसेक्ट अंडरगो एस्टिवेशन इज रिस्पॉन्स टू। इसका करेक्ट आंसर होगा हाई टेम्परेचर। 109 नंबर क्वेश्चन है, दियर आर डट डट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है, ए लाइन पैसिंग थॉट लास्ट कॉस्ट पॉइंट इज आइसोक्यूंट मैप इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा एग्जाम्पियन पैथ थर्ड ऑप्शन। 111 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइस क्लासिफाई ऑफ डिमांड फॉर साल्ट इज डॉट डॉट देन फ्रूट। तो 111 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी थर्ड ऑप्शन लेस। क्वेश्चन नंबर 112 है, द रीजनल रूरल बैंक वाज इस्टेब्लिश इन दी ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन 1975। 113 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन इज दी नॉट द टाइप ऑफ फार्मिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 114 है, द प्रोडक्शन फंक्शन वाई बराबर AXV इज डर प्रोडक्शन फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन लॉग लाइनर। 115 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट देन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन लेस देन वन। क्वेश्चन नंबर 116 है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम इज बिटवीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 9 to 14%। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्हिच वन इज नॉट द करेक्टराइज ऑफ परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यू थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118 है, द कॉस्ट इंक्लूड इन ग्रोविंग ऑफ क्रॉप ए हेक्टेयर इज नोन एज। तो इसका सही ऑप्शन होगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 119 है, CACP स्टैंड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर
कॉस्ट एंड प्राइसेज। क्वेश्चन नंबर 120 है, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एनी क्रॉप इज डिक्लेयर्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, बिफोर सोइंग ऑफ दी क्रॉप, यानी बुआई से पहले MSP लागू हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से हम इस पुराना पेपर लाते रहेंगे, इसका मतलब जो पुराना पेपर है 14, 15, 16, 17 का, सभी प्रकार से हम प्रोवाइड कराएंगे।